जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में विगत दिनों नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर शहर के महिला संगठनों ने एकजुट होकर एसडीएम कोर्ट में प्रदर्शन किया और आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की। इसी दौरान कोर्ट में प्रदर्शन करने आई महिलाओं ने कहा कि आज समाज में महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कठोर कानून बनाते हुए नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 16 वर्ष की बच्ची के संग हल्द्वानी में पहली बार दिन दहाड़े एक बलात्कार जैसी सूचना जब समाज को मिलेगी तो शायद सोया हुआ समाज, आज तक किसी का होता था तो उसको छुपा दिया जाता था, वो उजागर करने के लिए कई संगठनों द्वारा एक साथ आज इसमें ज्ञापन दिया गया है सिटी मजिस्ट्रेट साहब को कि इस पे कार्रवाई हो। नदीम नाम के व्यक्ति ने ऑटो चालक के दौरान, जिस समय वो संगीत की क्लास लेने जा रही थी बच्ची 16 वर्ष, नाबालिग लड़की के संग बलात्कार किया, दिन दहाड़े बलात्कार किया है। सबसे गहरी बात तो ये जो हम लोगों के संज्ञान में और हृदय में बैठी है कि हल्द्वानी शहर में ऐसे अपराध, जो पहाड़ी क्षेत्र इतना शांत प्रिय संस्कृति से सुव्यवस्थित शहर, इसमें ये घटना हो रही है, शर्मनाक बात है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। सारी महिला संगठन आज एक साथ यह ज्ञापन दे रहे हैं कि नदीम नाम के व्यक्ति को किसी भी तरीके से फांसी की सजा दी जाए। आज पहली बार हमें ऐसा लगता है कि अरबी देशों में जो हाथ काटना, चौराहे में सजाए मौत देना, शायद हमें आज पहली बार प्रतीत हो रहा है, शायद वहां अच्छा होता है। इसलिए वहां हमें नहीं लगता है ऐसी घटना दिन दहाड़े बिना किसी उसके होती होगी, किसी बच्ची के संग घटना होती है। ये ऐसा है, ये नारी की अस्मिता पर चोट पहुंची है, इसलिए सारे संगठन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक नाबालिग लड़की के साथ जो मंगल पड़ाव से जा रही थी अपना संगीत सीखने के लिए, उसको एक बंदा टेम्पो चालक उसमें बैठाता है। उसके बाद ऐसी हल्द्वानी में कौन सी जगह है जहाँ पर कि एक उसका बलात्कार हो जाता है, रेप हो जाता है और किसी को इस बात का पता नहीं लगता। ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर इसी तरह से रहा तो हमारी बहू बेटियां सेफ नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं इतनी जो ये टेम्पो चालक की, ट्रक चालक की इतनी जो हिम्मत बढ़ रही है, ये पूरे शहर के लिए शर्मसार है। तो इसलिए जो है इनके खिलाफ भी कार्रवाई भी होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि इस बंदे को कड़ी से कड़ी सजा हो, इसको फांसी की सजा हो, ऐसी सजा हो ताकि हर टेम्पो चालक या हर व्यक्ति ऐसा कुकर्म करने से, कुकृत्य करने से डरे और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। मैं चाहूंगी कि इस वारदात को सच में ऐसी सजा दी दे। आज ऑटो चालक ने किया है, हो सकता है कल कुछ और करें। हमारे बच्चे बसेस में जा रहे हैं, हमारे बच्चे ऑटोज में जा रहे हैं, हमारे बच्चे वैन में जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें, हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहें, इसका मतलब क्या है? हम क्या किया जाए? या तो लड़कियों को घर के अंदर बिठा दे, एक तरह से हम कहते हैं बेटी को पढ़ाओ और बेटी पढ़ने के लिए सुरक्षित नहीं है, तो इसका क्या किया जा सकता है? इस चीज का मैं न्याय मांगती हूँ और मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहूंगी उनको देने के लिए, क्योंकि आज एक लड़की के साथ ये हुआ, आगे हर माँ बाप को दिल में एक डर और वहम बैठ जाएगा। ये खास करके हल्द्वानी के लिए नहीं, मैं हर जगह के लिए चाहूंगी कि ये कदम उठे जाए, सुरक्षा दी जाए। वी वॉन्ट सेफ्टी एंड वी जस्ट वॉन्ट सेफ्टी फॉर डॉटर्स। जो हमारे शहर में 2 दिन पहले घटना हुई है, एक 16 साल की बच्ची के साथ ऑटो में दिन दहाड़े दुष्कर्म हुआ है, उस व्यक्ति को फांसी की सजा दिलाने के लिए, फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बस यही मांगे कि उसको फांसी की सजा हो ताकि आगे कोई भी इस तरह के काम करने, इस तरह की दुष्कर्म करने की कभी भी कोशिश ना करे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी हमारी आवाज है कि दिन दहाड़े किस तरह से ऐसी घटना शहर के अंदर हो सकती है। कानून व्यवस्था सुधारने की कोशिश हमारे प्रदेश में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पुलिस लगातार क्राइम और कानून व्यवस्था बनाने में असफल रही है और ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि किस तरह दिन दहाड़े ऐसी घटना हो सकती है हमारे शहर के अंदर।